Morning, children. Yesterday we saw the comprehension. There we learned about passages and a short poem. From that we have to solve the exercises given below. Okay, and today we will see the another chapter, that is on page 109 and unit 29. Okay, that is about paragraph writing. Okay, students. Here we see about the paragraph writing. What do you mean by paragraph writing? That is, before understanding this, let us understand about the passage or paragraph and the essay. Okay, paragraph is a short written form. Okay, and whereas essay is a wider form. Okay, that is in large way it is written, right? And the paragraph is has a opening sentence, okay, followed by supporting statements and finally a conclusion. Whereas the essay has the many paragraphs, okay, which includes the introduction and supporting paragraph and the concluding paragraph. Okay, students. So these are about the paragraph and essay. In shorter way, we can say paragraph is small paragraph. Okay, like here we see paragraph. These are the paragraphs in your book. Okay, and today we will learn this. Okay. About Holi. Okay, this is the topic given for you. You have to write about Holi festival. Okay, in one paragraph. This you have to write down it in your notebook. Okay, Holi or the festival of colors is my favorite festival. Okay, Holi. आपको पता है कि Holi एक कलरों का त्यौहार है, ठीक है, जो हमारे इंडिया में मनाते हैं, राइट, वी सेलिब्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, एट नाइट बिफोर होली आई बाय कलर्स एंड पिचकारीज एंड गेट ऑल द बकेट्स रेडी टू बी यूज्ड द नेक्स्ट डे. आई नो आई वेक up early on the day of the festival and wear clothes which have become quite old. Okay, क्यों quite old कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ पर उस जो कलर होली के दिन पर कलर लगाने पर वो जो नए कपड़े पहनेंगे तो वो खराब हो जाएगी, इसलिए. ओके, क्लोथ्स विच हैव बिकम क्वाइट ओल्ड. ओके, देन माई डैड एंड आई मिक्सड कलर्स इन द बकेट्स एंड फिल आवर पिचकारीज. ओके, वो क्या बोल रहा है कि हम सारे साथियाँ और हम क्या पिचकारी में कलर भरते हैं. ओके, बिफोर गोइंग टू डाउन स्टेयर आई प्ले होली विथ माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन आवर बैल्कनी. वो क्या बोल रहा है कि हम रंगों के साथ खेलते हैं, ठीक है, हम हर किसी के ऊपर रंग छिड़कते हैं, लगाते हैं, और वो एक प्यार की निशानी है अपने हमारे बैल्कनी में, अर्थात वहाँ जो घर के पास में बैल्कनी में. ओके, आई पुट कलर्स ऑन माय ग्रैंड मदर एंड टर्न माय ग्रैंड मदर्स हेयर रेड. ओके, वो क्या ग्रैंड मदर के हेयर पे क्या डालता है? रेड कलर, और उसके हेयर को सबको रेड कर देता है. देन आई गो डाउन स्टेयर इन द ग्राउंड. ओके, इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड प्ले होली विथ माई फ्रेंड्स. वी हैव ग्रेट फन बट वी मेक श्योर नॉट टू पुट कलर्स इन द आईज ऑफ वन अनादर. ओके, हमें होली के टाइम पर क्या करना है? कलर तो डालना अच्छा है, लेकिन हमें आँखों में जाने से बचना है, ठीक है, आँखों पर कभी कलर नहीं डालना है, बिकॉज आवर आईज विल गेट अफेक्टेड. ओके, वी ऑल्सो यूज गुड
क्वालिटी कलर्स विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द स्किन. ओके, हमें अच्छे क्वालिटी के कलर ढूंढने चाहिए होली खेलने के लिए, ताकि वो हमारी स्किन को हानि ना पहुंचाए. ओके, हार्मफुल मतलब हानि ना करे. ओके, व्हेन वी आर कंप्लीटली कवर्ड विथ ब्लू ग्रीन एंड रेड कलर्स वी रिटर्न होम एंड हैव अ गुड बाथ. ओके, वो क्या बोलते हैं, हम पूरे दिन होली खेलने के बाद सारे कलर हमारे शरीर पे हो जाते हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर्स. ओके, एंड वी रिटर्न होम एंड हैव अ गुड बाथ. ओके, दिस वॉज अबाउट अ पैराग्राफ ऑफ होली. ओके स्टूडेंट्स, वेयर एज वन मोर टॉपिक, दैट इज माई सिस्टर. ओके, अबाउट योर सिस्टर यू कैन राइट इन वन पैरा. ये वाले भी आप अपने आप भी लिख सकते हो, या तो यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम योर बुक. ओके, एंड अबाउट माई सिस्टर. ओके, आप अपने सिस्टर के बारे में भी राइट कर सकते हो. ठीक है, आपकी सिस्टर का नाम क्या है. ओके, एंड वो कैसी है, कैसी दिखती है, कौन सी कलर की है. ओके, दैट यू कैन राइट हियर. ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप हेयर आर मेनी टॉपिक्स यू कैन गो थ्रू योर बुक. ओके, हियर सी अ फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम. ओके, अ विजिट टू अ विलेज फेयर. ओके, दिस ऑल्सो यू कैन राइट. ओके, आप जो विजिट टू द विलेज फेयर जो विलेज विजिट करते हो, उस विलेज के बारे में आपको लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू राइट दीज टू फॉर टुडे. ओके, आपको समझ में आ ही गया होगा. ओके, पैराग्राफ राइटिंग, व्हाट डज द पैराग्राफ राइटिंग मीन्स. ओके, पैराग्राफ राइटिंग इज writing about a topic in one para. Okay students, hope clear, right? These two you have to write it in your grammar notebook. Okay, hope clear. Have a good day. Till we meet in next class. Bye.